है आईआईटी जैम 2007 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है एमएसक्यू में क्यों नहीं पूछा जा सकता है, पूछा गया क्योंकि अगर क्योंकि तब तो पैटर्न ही नहीं था खैर, लेकिन अगर आपके हिसाब से इस क्वेश्चन को अगर सपोज करो सेम टू सेम आएगा तो ये कौन से सेक्शन में आएगा, ये एमसीक्यू सेक्शन में ही आएगा या फिर नेट सेक्शन में आएगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ये एमएसक्यू में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो हमारी लिमिट होती है वो यूनिक होती है, और यूनिक होने की वजह से यहाँ पर इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो जो कर्व है वो ये है, ये बाउंडेड एक्स एक्सिस से है और इससे है और एक्स इक्वल टू टी। ए टी ये एरिया फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी, तो हमें लिमिट निकालना है इस एरिया फंक्शन का, जो एरिया फंक्शन है उसका लिमिट निकालना है। तो हमें जो दे रखा है कर्व वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर मोड एक्स, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो मोड एक्स जो हमें हमें पता है वो क्या होता है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स ही रह जाता है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स हो जाता है, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। तो जब मैं एक्स पॉजिटिव लूंगा तो ये जो मेरा होगा ये होगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और जब मैं एक्स नेगेटिव लूंगा तो ई रेज टू द पावर एक्स, तो मेरा वाई होगा। या तो ये मेरा वाई मैंने फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, तो अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ये वाला जो ग्राफ होता है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोज कर लो एक्स इक्वल टू माइनस टी और ये है एक्स इक्वल टू टी। अब इन इसके लिए ये वाला कर्व यहाँ तक है, जीरो तक सेम है, और ये कर्व तो जीरो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कर्व चेंजेस हो रहा है, तो मैं जो इंटीग्रेशन होगा उसको ब्रेक कर दूंगा जीरो पर अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं इसका एरिया फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसका जो विड्थ है वो डी एक्स है और लेंथ इसका वाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, लेकिन ये वेरी करेगी यहाँ से यहाँ तक, इसका लिमिट माइनस टी से जीरो तक। और वाई जब एक्स निगेटिव होता है, जब एक्स एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो निगेटिव है, तो वाई क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा जब एक्स निगेटिव है तो वाई हमारा होता है, सॉरी ये वाला, ये पॉजिटिव के लिए था और ये निगेटिव के लिए, ई रेज टू द पावर एक्स, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा माइनस टी टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, और जब मैं इसमें लूंगा एरिया तो ये डी एक्स इसका लेंथ वाई, तो जीरो से टी वाई डी एक्स, तो जीरो से टी और वाई का जो वैल्यू होगा मेरा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो जो एंटायर एंटायर एरिया फंक्शन ए टी होगा वो क्या होगा, दिस यानी कि दिस ए वन और दिस ए टू, यानी कि ए वन प्लस ए टू, अगर आप इसको समझ गए हो तो ए वन जो है मेरा वो है माइनस टी टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस जीरो से टी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी से जीरो, और ये माइनस क्योंकि यहाँ से जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस आ जाएगा ए रेज टू द पावर माइनस एक्स जीरो से टी, तो इसका क्या होगा जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ए रेज टू द पावर जीरो वन, माइनस जब मैं माइनस टी पुट करूंगा तो ए रेज टू द पावर माइनस टी, माइनस जब टी पुट करूंगा तो ए रेज टू द पावर माइनस टी,
और जीरो पुट करूंगा तो वन, तो वन माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ये हो जाएगा मेरा प्लस वन। तो प्लस वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा, टू माइनस टू टाइम्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी। अब जो मेरा हो जाएगा, टू आउटसाइड ले लेता हूँ, वन माइनस ए रेस्ट टू द पावर माइनस टी। तो मेरा एरिया फंक्शन आ चुका है एटी, लेकिन मुझे चाहिए थी लिमिट टी टेंस टू जीरो एटी, ये मुझे इवेल्युएट करना था। तो क्या होगा जब मैं टी को टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये था, तो जब टी इन्फिनिटी होगा ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, यानी कि जब टी इन्फिनिटी को जाएगा तो इसका जो ग्राफ होता है ये होता है, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। ये किसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे आपका डोमेन पॉइंट्स हैं वो इन्फिनिटी को गोस करेंगे तो जो कर्व है आपका वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स वन माइनस जीरो, और ये हो जाएगा इसका लिमिट टू। तो जो टू था ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शंस का वैल्यू टू था, वो करेक्ट हो गया, यानी कि इसमें जो टू है वो कहाँ पर है, ए, यानी कि ऑप्शंस ए इज ट्रू। हाँ, इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा एरिया फंक्शन था ए टी, एक्चुअली जो एरिया फंक्शन था ए टी वो क्या होगा, माइनस टी से टी वाई डी एक्स, यही था मेरा एरिया फंक्शन। और y जो मुझे गिवन था वो था e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये मेरा एरिया फंक्शन था। मोड होने की वजह से ये जो फंक्शन है इंटीग्रैंड फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इवन फंक्शन हो जाता है, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, जीरो से टी e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर आप मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं इवेल्युएट कर लूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स जीरो से टी, और इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, यानी कि टू जब मैं माइनस टी पुट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस टी, जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि वन। तो क्योंकि माइनस है आउटसाइड तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो एक्चुअली जो मेरा एरिया फंक्शन है वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी, ये मेरा एरिया फंक्शन हो गया इस तरह से। फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो सेम वही है, तो टू ही आंसर आएगा। थैंक यू।